बात करेंगे। सर एनडीपीएस में कार्रवाई की गई है आगामी चुनाव को देखते हुए, क्या कुछ पूरी कार्रवाई की गई? हाँ बिल्कुल, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारे डीसीपी मैम और उच्च अधिकारियों के निर्देश थे कि एनडीपीएस और मादक पदार्थों के संबंध में अधिक से अधिक कार्रवाई की जाए, तो इसमें हम आज इस निर्देश दिए हुए थे। तो इसमें आज हम टीम बना के सर्च अभियान चला रहे थे। इस दौरान देवनगर थाने के एएसआई सुखराम जी हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक मकान है 11 सेक्टर के नाले के ऊपर, उसमें डोडा चूरा और अफीम हो सकती है। इसके ऊपर मैं जाब्ते के साथ में पहुँच के उस मकान को रेड डाल के सर्च किया, तो उसमें 44 किलो 100 ग्राम तो डोडा चूरा मिला है और 320 ग्राम अफीम मिली है जो हमने जब्त करी है। और वहाँ मुलजिम मिला है शिवलाल स्नोप धीमाराम बिश्नोई, जिसको हमने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके उसका अनुसंधान कर रहे हैं। ये माल कहाँ से लेके आया था इसके बारे में अनुसंधान जारी है। वो अभी तो ऐसा नहीं आया, चेक कर रहे हैं आगामी कार्रवाई जी बिल्कुल, उसमें एनडीपीएस के अंदर जो भी है इसके संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाएगी। अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए श्रीमान डीसीपी साहब जोधपुर वेस्ट के निर्देशन पर तथा एडीसीपी जोधपुर वेस्ट श्री अनंत कुमार जी तथा एसीपी प्रताप नगर के निर्देशन में आज राजीव नगर कॉलोनी के निवासी राजूराम पुत्र भियाराम बिश्नोई को इसमें अवैध स्मेल बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। उक्त तस्कर के बारे में या विक्रेता के बारे में थाने के एएसआई सुखराम तथा आज सूचना कांस्टेबल पिंटू सिंह ने सूचना संग्रहित की तथा आज कार्रवाई की गई। उस राजूराम सुनो बियाराम से 6.6 ग्राम अवैध स्मेल बरामद की गई, प्रकरण दर्ज किया गया, अनुसंधान सीएसबी थाना इंचार्ज के जिम्मे किया गया।